नागरिकता संशोधन बिल पर जेडीयू की पार्टी में दरार, विपक्ष में भी सेंध। क्या नागरिकता बिल से अमित शाह साथ लिए एक तीर से कई निशाने। कई घंटों की बहस के बाद नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया। कांग्रेस के साथ साथ टीएमसी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी समेत कई दलों ने अपना विरोध जताया। आधी रात को बिल पर हुई मीटिंग में बिल के समर्थन में जहां 331 मत पड़े तो वहीं विपक्ष में महज 80 सदस्यों ने वोट किया। जानकार, ट्रिपल तलाक और धारा 370 के बाद नागरिकता संशोधन बिल को लोकसभा में पास होने को मोदी 2.0 सरकार की बड़ी सफलता के तौर पर देख रहे हैं। जानकारों की माने तो लोकसभा में अपने बल पर बहुमत रखने वाली बीजेपी ने इस बिल के जरिए विपक्षी खेमे की एकता में बड़ी सेंध लगा दी है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर अलग होने वाली शिवसेना ने भी नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किया है। शिवसेना का बिल को समर्थन करना विपक्ष की उस मुहिम को तगड़ा झटका माना जा रहा है, जिसके कयास महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद लगाए जा रहे थे। कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार बनाने वाली शिवसेना का बिल का समर्थन करना उस तीसरे मोर्चे के गठन के संभावना को एक तरह से सिरे से खारिज कर देता है, जिससे बनने की अटकलें तेजी से लगाई जा रही थी। जानकार कहते हैं कि पिछली बार लोकसभा में बिल का विरोध करने वाली बीजेडी ने भी बिल का समर्थन कर बीजेपी को बड़ी राहत दी है। वहीं वाईएसआर कांग्रेस और एलजेपी ने बिल का समर्थन कर मोदी शाह समेत पूरे सत्ता पक्ष के चेहरे पर एक मुस्कान ला दी है। लोकसभा में इस बिल का पास होना बीजेपी के लिए बड़ी जीत की तरह है। साथ ही बीजेपी ने जिस तरह विपक्षी खेमे में सेंध लगाई है, उसके बाद बिल के राज्यसभा में भी आसानी से पास होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि राज्यसभा में इस समय सदस्यों की संख्या 245 है। ऐसे में अगर सरकार को बिल पास कराना है तो उसे 123 सदस्यों का समर्थन चाहिए होगा। अगर राज्यसभा के सियासी गणित की बात करें तो बीजेपी के 83, अकाली दल के 3, बीजेडी के 7 और एआईएडीएमके के 11 सदस्य शामिल है। इसके साथ ही शिवसेना के 3, वाईएसआर कांग्रेस के 2, जेडीयू के 6 और एलजेपी के 1 सदस्य के भी साथ आने की संभावना है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की कई छोटी पार्टियों ने अपना समर्थन दिया है। ऐसे में इस बिल के राज्यसभा में भी पास होना लगभग तय माना जा रहा है। इंडिया न्यूज़ पैनल की रिपोर्ट।